हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंगुलर प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल को। हम एक प्रोजेक्ट बना रहे थे और लास्ट टाइम हमने बोला था कि मैं आपको एपीआईज का यूज करना बताऊंगा। तो हमने एक एपीआई बना रखी है। आप एपीआई कैसे बनती है इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, पहले आप एंगुलर सीखें देन एपीआई पे काम करें। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए ये एपीआई मिल जाएगी और इसी एपीआई के साथ आप काम करिएगा। देखिए, लास्ट टाइम मैं इस एपीआई को टेस्ट कर रहा था तो कुछ एरर आ रही थी, है ना। अभी ऑलवेज डिस्कार्ड डोंट सेव। ओके, अगर मैं अभी इस एपीआई को टेस्ट करूं, हमारी जो एपीआई है कुछ ये है, ये मेन अपना यूआरएल है और इसके बाद एपीआई, यानी एपीआई हमारी है ब्लॉग पोस्ट। तो इस एपीआई को टेस्ट करने के लिए सिंपली हम गेट करेंगे और सेंड करेंगे। तो देखिए, ये हमें रिजल्ट दे रहा है, पिछली बार एरर आ रहा था, है ना। इसमें एक ही डेटा है तो एक रिजल्ट दे रहा है। पोस्टमैन जो होता है, यहाँ से आप एपीआई की टेस्टिंग करते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट रख लीजिएगा क्योंकि एपीआई वगैरह टेस्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि जब आप एंगुलर पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत कम आपको ज़रूरत फील होगी, बट स्टार्टिंग में शायद आपको ज़रूरत पड़े कि डेटा आ भी रहा है कि नहीं, उसको एक बार यहाँ पर चेक कर लिया जाए। तो इसको चलाना बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। फिलहाल अभी हमने इस एपीआई को हिट किया और गेट मेथड के थ्रू सेंड किया तो हमको ये रिस्पांस दे रहा है। दैट मीन्स इसमें एक डेटा है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब इस चीज़ को हमें अपने एंगुलर प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करना है कि हमने जो पोस्ट किया वो यहाँ पे कैसे दिखेगा। तो आइए हम देखते हैं। सिंपल ये हमारा प्रोजेक्ट था। अब प्रोजेक्ट पे किसी भी एपीआई को हिट करने के लिए, जैसे हमने ये एक ब्लॉग पोस्ट बनाया था जिसपे ऐड कर सकते थे, पोस्टेड ब्लॉग्स हमारे दिख सकते थे। तो इस चीज को अगर हम रन करें, एनजी सर्व और ओपन करें, देखते हैं क्या होता है। हमें एक्चुअली में अपनी पहले पोस्ट को यहाँ डिस्प्ले कराना है, देन हम ऐड करना भी समझेंगे कि जैसे ये हमारा एक पोस्ट है ना डेटाबेस पे ऐड है, तो इस पोस्ट को हम क्या डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले कर सकते हैं तो देन इसको और भी इसमें पोस्ट ऐड करेंगे, जो हमारी ब्लॉग पोस्ट होती हैं उनको हम और भी इस डेटाबेस में ऐड करेंगे एपीआई की हेल्प से। और सबसे पहले हम इस पर डिस्प्ले करेंगे कि हम डेटाबेस से डेटा कैसे फेच कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर गया है। यहाँ पे आते हैं एडमिन ओके पोस्टेड ब्लॉग ओके। अभी हमने एड ब्लॉग बनाया है, पोस्टेड ब्लॉग पे कुछ नहीं किया है। ओके, कोई बात नहीं, चलिए हम सेव करके ही आपको दिखा देंगे। हालांकि मैं डिस्प्ले भी करा सकता हूँ। थोड़ा सा पोस्ट ब्लॉक को भी अच्छा सा कर लेते हैं, सिंपल सा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। वेट अ सेकेंड, जैसे कि हम अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करें तो हमें मिल जाएगा एक कंटेनर। तो इसको हटा के हम यहाँ पे कंटेनर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो डायरेक्टली टेबल यूज कर लें और टी हेड के अंदर आप TH यूज करें। अब TH में आपको अपने फील्ड के नेम वगैरह लेने होंगे, ये मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे होगा। इसी तरह टी बॉडी होता है और इसके अंदर TD होते हैं, ठीक है। तो तीन तीन हमने ले रखा है। इसकी विड्थ देते हैं 100%,
100% देखते हैं यहाँ कुछ डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। नेम, हाँ कुछ आ रहा है, ठीक है। पोस्ट टाइटल ये हम अभी अपडेट करेंगे। मैंने एक सिंपल रेफरेंस के लिए चलो इस तरह से बना दिया है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अपने डेटा की लिस्टिंग करनी है। वो कैसे कर सकते हैं, उसको करने के लिए हमको सिंपली टीडी, यहाँ पे टीआर के साथ होता है ये, टीआर देन टीडी, और यहाँ भी शायद टीआर यूज करना पड़ता है, देन उसके अंदर टीएच, ठीक है आई थिंक। अब हमें क्या करना है, चलो हम डेटा को पहले फेच करते हैं, देखते हैं डेटा आ भी रहा है कि नहीं, फिर इसको, ये तो डिजाइनिंग का पार्ट है, ये आप करना जानते हो। हमें मेन इम्पोर्टेंट है डेटा को ले आना। अब डेटा को लाने के लिए फ्रेंड्स एंगुलर में सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी एक सर्विस। तो शायद हमने लास्ट टाइम बनाया था, नहीं ये कंपोनेंट है, गलती से कंपोनेंट बन गया है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। हमें बनानी है सर्विस, सर्विस सर्विस, इसको यहाँ से भी हटाना पड़ेगा अदरवाइज ये एरर देता रहेगा। यहाँ पे है और इसको यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हमने एक यहाँ पे बना दी न्यू फोल्डर जिसका नाम दिया सर्विस, ओके। इस सर्विस के अंदर हमें सर्विस एक जनरेट करनी है, क्या एरर आ रहा है, आई थिंक सर्विस कंपोनेंट, क्या राउटिंग भी कर दिया है क्या, ओके हो सकता है कि, अच्छा चलो ब्लॉग वाले में था बट हमने हटा दिया, आप मत हटाइएगा या हटा दीजिएगा जैसा भी आपको ठीक लगे। सिंपली हमें एक सर्विस यहाँ पे बनानी थी। अब सर्विस कैसे बनेगी वो इम्पोर्टेंट है। सर्विस बनाने के लिए आप न्यू टर्मिनल पे आए, यहाँ पे यूज करें एनजी जनरेट, और क्या अब कंपोनेंट नहीं जनरेट करना है, सर्विस जनरेट करनी है। सर्विस कहाँ पे जनरेट करनी है, सर्विस के अंदर करनी है ना। तो सर्विस स्लैश आपकी सर्विस का नाम क्या होगा, तो हम नाम दे देते हैं ब्लॉग सर्विस, ठीक है। सिंपल एक फाइल ही होती है, देखिए दो फाइल इसके साथ जनरेट होंगी, वेट करते हैं, देखिए ये दो फाइलें इसने जनरेट की हैं और इसका एक्सटेंशन क्या है, सर्विस डॉट टी एस है ना। तो आपको सर्विस जनरेट करने के लिए इस फोल्डर पे मत जाइएगा, ये फोल्डर हमने लिया क्योंकि हमारी सर्विस एक कलेक्शन के फॉर्मेट में हो जाए, ये फोल्डर अपने आप जनरेट नहीं हुआ है, आप नोटिस करिए। यहाँ पे मैंने फोल्डर दिया है यानी पाथ दिया है, देन ब्लॉक सर्विस जनरेट किया है तो वो इस फोल्डर के अंदर हुआ है। अगर आप ये पाथ नहीं देंगे तो ये सर्विस बाहर भी जनरेट हो सकती है ना। तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि इस पाथ को आप देना चाहें, ये पाथ कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, बट एक फोल्डर बना के ही सर्विस जनरेट करें तो वो कलेक्शन के फॉर्मेट में रहेगा। खैर जैसे ही आपने ये सर्विस जनरेट की, अब इसमें कुछ होता नहीं, ये प्लेन है, प्लेन है बस, एक क्लास है सिंपल सी। अब हम क्या करते हैं, इस सर्विस को पहले इंपोर्ट करते हैं इधर ऐप मॉड्यूल में, ठीक है। ऐप मॉड्यूल में जब आप डालेंगे तभी सर्विस का इफेक्ट है। तो यहाँ प्रोवाइडर में अपनी ब्लॉक सर्विस को जो हमने यहाँ पे बनाई है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे डालने के लिए हमें क्या करना होगा, ब्लॉग सर्विस,
ब्लॉक सर्विस थिंक यही है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, इसको हटाते हैं। और अब देखिए, जब हम सर्विस चलाएंगे तो सर्विस कहाँ चलेगी? HTTP पे चलेगी। ये जब भी एक्सेस होगा कहाँ पे होगा? HTTP पे होगा। तो हमें एक मॉड्यूल और यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा जिसका नाम है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल नहीं मिल रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा हम गूगल करते हैं हाउ टू इंपोर्ट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। Angular 10 कम्युनिकेशन। तो कुछ हमें यहाँ पे हो सकता है रिजल्ट मिल जाए, और अगर मिलता है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे चूंकि हमें देखिए HTTP का एक्सेस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें डेटा कहाँ से लाना है? HTTP से। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिए, कुछ इसी तरह से हमें इंपोर्ट करना है। आई थिंक एरर ना आएगा तो काम तो हो जाना चाहिए। अगर हम इसको कहीं भी डाल दें, यस ठीक है। तो अगर वहाँ से आपको डायरेक्ट हेल्प से नहीं इंपोर्ट हो रहा है तो आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा। और अब ये इंपोर्ट हो चुका है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ठीक है, अब तो ये हमारी बेसिक सेटिंग हो गई है ना। इसके बाद हमें अपनी सर्विस वाली फाइल में करना क्या होगा ये समझना है। हमें बहुत कुछ नहीं करना है। देखिए, हम आएंगे सिंपल सा यहाँ पे। अब हमारे पास, हमको सबसे पहले एक चीज इंपोर्ट करनी है जो कि है HTTP क्लाइंट, जो हमने अभी वहाँ पे इंपोर्ट किया था ना मॉड्यूल, उसका यूज करना है। तो एक बनाते हैं प्राइवेट HTTP, और यहाँ पे क्या रखेंगे? HTTP क्लाइंट। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा? HTTP का रेफरेंस मिल जाएगा। बस यही हमें चाहिए था। और ये जो कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम अपने फंक्शंस बनाएंगे जिसको हम जरूरत पड़ने पे कॉल कर सकते हैं। आप ना इसको छोड़ें, आपको कंस्ट्रक्टर में नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शंस बनाएं। जैसे हमें क्या करना है, एक बनाना है गेट ब्लॉग। गेट ब्लॉग का हमें एक फंक्शन दे दिया। आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक बार और इसे समझाऊंगा अच्छे से। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है, बट मैं इसे क्लियर करूंगा। गेट ब्लॉग एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम रिटर्न करा देंगे, सिंपल सा रिटर्न कराएंगे क्या? दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट। या तो अभी आपको क्या करना है, गेट करना है ना डेटा, तो गेट करने के लिए क्या यूज करेंगे? गेट यूज करेंगे। तो गेट, और इस गेट के अंदर हमें सिंपली अपना URL या API पास कर देना है बस। जो हमारी ये API है ना, इस API को यहाँ पे पास कर देना है,
और अब ये आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार है। आप सोच रहे होंगे इतनी आसानी से। थोड़ा सा अभी एक और काम करते हैं। देखिए अभी तो हमने इसको यहाँ पे बनाया, बट इसको अपने एडमिन के इस पेज पोस्ट ब्लॉक पे कैसे कॉल करेंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे कॉल करना भी थोड़ा सा आसान ही है, बहुत क्रिटिकल नहीं है, बट हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमें यहाँ पे अपनी इस सर्विस को कॉल करना पड़ेगा सबसे पहले, जो हमने ब्लॉक सर्विस बनाई है उसको हमें अपने कंस्ट्रक्टर में इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि आप प्राइवेट दे दें, नाम दे दें, देन अपने उस फाइल को कॉल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किया प्राइवेट और ब्लॉक सर्विस, ब्लॉग सर्विस, देन अपनी फाइल का नाम आप कॉल कर लें, ब्लॉग सर्विस सर्विस, ये है हमारी सर्विस, ठीक है। अब इस ब्लॉग सर्विस के रेफरेंस से आप जो यहाँ पे मेथड बनाए हैं इसको कॉल कर सकते हैं, गेट ब्लॉग को। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एक और मैं फंक्शन बना देता हूँ, गेट ऑल ब्लॉग, ये हमें सारे ब्लॉक्स देने वाला है। अब गेट ऑल ब्लॉक्स कैसे करेंगे? सिंपली दिस डॉट ब्लॉग सर्विस डॉट क्या, जो हमने वहाँ पे मेथड बनाया था गेट ब्लॉग, आप इतना करेंगे ये आपको सर्विस देने के लिए रेडी है। बस इस पे क्या करना होगा, आपको डॉट सब्सक्राइब करना होगा, और इस तरह से ये बिल्कुल वहाँ से कॉल हो चुका है, आपका डेटा यहाँ तक आ चुका है। अभी लेकिन हमें चेक करना होगा कि जो हमने कॉल किया है डेटा को वो आया या नहीं आया, या इसके डेटा को रीड करना है। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसके अंदर हमको इंटर अगर हम कर लें इस सब्सक्राइब के अंदर, और एक दे दें, क्या दे दें, रिस्पॉन्स, कि क्या रिस्पॉन्स आता है ना। अगर हम रिस्पॉन्स ले लें तो रिस्पॉन्स को किसी एरे में स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अगर हम एक यहाँ पे एम्प्टी एरे बना लें, ब्लॉक्स ब्लॉक्स, और इस ये एनी, और इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, तो ये एक एम्प्टी एरे बन जा रहा है। जो रिस्पॉन्स आया, इस रिस्पॉन्स को हम एक, ये जो बनाए थे ना दिस डॉट ब्लॉक्स में, इस रिस्पॉन्स को अगर हम लोड कर दें तो हमें अब डेटा मिल चुका है बिल्कुल। और इस फंक्शन को हमें, अभी हमने कहीं कॉल नहीं किया ना, ये तो सेपरेट फंक्शन है, जब तक कॉल नहीं करेंगे चलेगा नहीं। तो इसके अंदर ऑन एनजी इनिट के अंदर दिस डॉट इस फंक्शन को सिंपली कॉल कर लेना है, और अब आपका डेटा आ रहा होगा इस पेज तक, लेकिन अभी भी आप देख नहीं पाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी तो यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, बट डेटा डेफिनेटली आ रहा होगा। आप अगर देखें कंसोल पे एरर नहीं होगी, तो डेफिनेटली डेटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डेटा आप कैसे देखेंगे। देखिए डेटा कहाँ पे, ब्लॉक्स में है, ये मैंने स्पेलिंग कुछ गलत लिख दी, ब्लॉक्स, इस ब्लॉक्स में डेटा आ रहा है, ओके। और इसको अगर यहाँ HTML पेज पे देखना है, तो आपको पता है कि आप डबल ब्रेसेस लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे सिंगल, देन यहाँ पे जेसन। अब आपका जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अच्छी बात कि कोई डेटा ही नहीं आया, कोई डेटा नहीं आया, आ गया,
ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा बट देखिए डेटा आ रहा है ना, यही तो डेटा हमें चाहिए था। ये देखिए यहाँ से हम सेंड कर रहे थे, तो ये जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है वही डेटा हमको यहाँ पे जेसन के फॉर्मेट में मिल रहा है। मैं इसको एक बार और समझाता हूँ, देन आगे मैं इसमें लिस्टिंग करूंगा टेबल के साथ में। ओके, ये आया कैसे? तो सबसे पहले आपको एक सर्विस बना लेनी है, और इस सर्विस में ज़्यादा कुछ अभी आपको नहीं करना है। जैसे ही आप इस सर्विस को बनाएंगे तो आपको मॉड्यूल में आके इस सर्विस को इंपोर्ट कर देना है, और HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि ये सर्विस जब भी रन करेगी तो HTTP पे ही रन करेगी। देन आपको आना है अपनी सर्विस क्लास पे, आपको इस तरह से HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करना है। देन इस HTTP के रेफरेंस से गेट मेथड के साथ में यहाँ पे अपनी API को कॉल करना है। अब जैसे ही इस API को कॉल किए तो ये एक सेपरेट फंक्शन है, इस फंक्शन को आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। हर बार जितने पेज पे जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑल ब्लॉक्स की, आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे और डेटा आपको मिलेगा। जैसे अभी हमें एडमिन के इस पोस्ट ब्लॉक पे चाहिए था, तो हम यहाँ पे आए और अपने सर्विस को पहले इंपोर्ट किया है ना, कंस्ट्रक्टर में आके सर्विस को इंपोर्ट कर लिया, और इस ब्लॉक सर्विस का रेफरेंस लेके अपने उस सर्विस वाले फंक्शन को कॉल कर लिया, देन सब्सक्राइब हिट कर दिया। सब्सक्राइब करने से डेटा आ जाता है, बट इसको हमें लोड करने के लिए ये रिस्पॉन्स की ज़रूरत थी, तो ये रिस्पॉन्स करके रिस्पॉन्स में डेटा आया और उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो कुछ इस तरह से सिंपली ये काम हुआ। एक बार और आप अपने से करिएगा, अच्छे से क्लियर होगा, और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें इन्फॉर्म करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर रिजॉल्व कराऊंगा। तो आइए देखते हैं कि इस डेटा को, जो ये डेटा आया, इसको हम अपने प्रोजेक्ट पे कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा जो रो है इस रो में कैसे ला सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो इस हेडर को सेट करते हैं कि क्या होगा हेडर। मान लीजिए पहला एक कैटेगरी हम दे देते हैं कि भाई यहाँ पे एक कैटेगरी रहना, इस यहाँ पे कैटेगरी आनी चाहिए। देन आपका टाइटल है, टाइटल तो नल है, चलो डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ओके, देन डिटेल्स, डिटेल्स, और यहाँ पे टाइटल लगा देते हैं ना, क्योंकि अभी नहीं है तो आगे तो आना ही है। टाइटल यहाँ पे दे देते हैं, ये हो गया हमारा टाइटल। कोई और फील्ड हो तो आप रख सकते हैं, स्टेटस, अबाउट, अबाउट ले लेते हैं। चलो जी, इतनी फील्ड हमें यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, ये हमारा लॉजिक है। तो देखिए इस चीज को यहाँ पे, ये तो जेसन के फॉर्मेट में दे दिया ना, इसको हमें क्या करना होगा, लूपिंग करनी होगी। ये रो हमारा जितने वहां से डेटा है वो रो रिपीट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एस्टिक एनजी फॉर यूज करना पड़ेगा। एनजी फॉर, एनजी फॉर के लिए हम यहाँ पे लेट डेटा एज एज ब्लॉक्स कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, आई थिंक सही होना चाहिए। और अगर सही होगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा अपना टाइटल डेटा डॉट, जो हमारा फील्ड है यानी कि टाइटल। चलो एक ही अभी हम करके देख रहे हैं, तो आई थिंक कुछ गड़बड़ है।
देखते हैं ng for कैसे यूज करते हैं, how to use ng for। तो कहीं भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप भी गूगल कर सकते हैं, बिल्कुल गूगल की पूरी हेल्प लें, तभी आपको सर्च करने की प्रैक्टिस होगी। ऑफ होता है एज नहीं ऑफ, ठीक है। तो गूगल करें, गूगल करना चाहिए, तभी आपकी एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। देखिए यहाँ पे डेटा डॉट टाइटल आ रहा है, बट डेटा डॉट टाइटल ओके, डेटा डॉट टाइटल लेना है बट इस ब्रेसेस के अंदर लेना है ना, तभी तो डायनेमिक बाइंडिंग होगी। तो अब यहाँ पे टाइटल नल है ना, तो इसलिए नल आ रहा है, बाकी को भी हम कर लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है, इसमें कैटेगरी आनी चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी आ गया। डिस्क्रिप्शन आना चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, और डिटेल आना चाहिए तो यहाँ पे डिटेल आ गया, और अबाउट आना चाहिए तो यहाँ पे अबाउट आ गया। देखिए यहाँ पे अब डेटा आ रहे हैं, है ना, जैसा हम चाहते थे। अब आप इस चीज को चेक करने के लिए आप बनाया करें ये वाला फॉर्मेट, फिर इसको हम हटा देंगे, रियल प्रोजेक्ट में वो होगा नहीं, केवल देखने के लिए होता है। तो हमारा कुछ इस तरह से डेटा आएगा, है ना। जब भी हम अब होम पे हैं, जब पोस्ट पे आएंगे तो हमारी पोस्ट यहाँ पे दिखेंगी, इधर हम एडिट बटन वगैरह लगा सकते हैं जिससे इसको एडिट करेंगे आगे चल के। और ऐड पोस्ट है, अब हम एक पोस्ट उस पे ऐड करके देखेंगे कि क्या इसमें पोस्ट हमारी ऐड भी हो रही है ना। और आप प्रैक्टिस के लिए सेम एपीआई यूज करिएगा जो हमने दी है आपको, तो आपको डेटा मिलेगा, आप उसे एडिट डिलीट कर सकते हैं, नो इशू, पब्लिक है ये, हमने आप लोगों के लिए ही बनाया है। तो हो सकता है जब आप यूज कर रहे हो तो इसमें कुछ ज़्यादा डेटा हो या कम हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसे एडिट डिलीट कर लें, नो प्रॉब्लम, बट प्रैक्टिस करें इस एपीआई का यूज करके। और आई थिंक आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टाइम पे एड ब्लॉक को, पोस्ट इस ये जो हमारा टेबल डेटा आ रहा है ना, इसमें हम और पोस्ट को ऐड कैसे करेंगे इस चीज़ को समझेंगे एड ब्लॉक के थ्रू, और उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।